दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई परीक्षा ऐप। अगर आप इंडियन एयरफोर्स के साथ, आप इंडियन नेवी का तैयारी कर रहे हैं, साथ में अगर आप एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऐप आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल रहेगा। आने वाले एग्जाम की तैयारी करने के बाद अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आपका जो तैयारी का लेवल है नेक्स्ट लेवल तक हो सकता है। तो इस ऐप को चेकआउट करिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और ये आपका कोड वगैरह है आरा वाला 40, जिसके साथ आपका 40% का ऑफ मिल जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स का जो ऑनलाइन पेपर है आपका, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम जो आपका 19 मार्च से आपका शुरू हो जाएगा। अब आपके पास काफ़ी टाइम, मतलब कि बहुत ही कम टाइम आपके पास रह गया है। जो भी अब दिन बचा है, अगर आप कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, देन आप यहां से कुछ हम आपको टिप्स वगैरह दे रहे हैं इसीलिए, ताकि अभी से भी भाई अगर कोई, मतलब ये स्मार्ट माइंड लगा कर काम करेगा ना, वो हाथ मार देगा भाई, ठीक है। तो देखिए, बहुत लोग बोले कि सर मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट है, अब आपकी बार मतलब कि देंगे, इसके बाद मेरा कोई चांस नहीं है, इस बार मेरा एज खत्म हो जाएगा। बहुत कुछ यहाँ पर क्वेश्चन मेरे को मिलता है, यानी कि कमेंट बॉक्स में भी मिलता है, कुछ लोग व्हाट्सएप पर भी बोलते हैं। तो आपके लिए ही हम काम कर रहे हैं। एयरफोर्स मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है, ज़्यादातर वीडियो हम एयरफोर्स के ऊपर ही डालते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ हम यहाँ पर खड़े रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी भाई नेवी का एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अब रिजल्ट का आप लोग चक्कर में मत रहिए, जब आएगा आप लोग देख लीजिएगा साइट वगैरह, आप लोग चेक करते रहिएगा, अंडर मेंटेनेंस में जाता है, आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर इधर उधर अपना दिमाग लगाना छोड़िए, अगर यहाँ पर तैयारी नहीं कर रहे हैं अभी से भी आप, तो अब आपका यहाँ से तैयारी कर लीजिए। अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं एयरफोर्स का, तो तैयारी कर लीजिए। कुछ दिन आपका 20-22 दिन रह गया है, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो आपका ही फ़ायदा होगा। और हाँ, एक चीज़ और बताएंगे कि परीक्षा का जो ऐप है, वहाँ पर मात्र 132 रुपये में आपका प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। 20 प्रैक्टिस सेट ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए जाकर खरीद सकते हैं। नया सेट है आपका करतार और अरिहंत में। क्या है, एक गलती रहता है आपका कि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा डाल देता है सब, वही क्वेश्चन बार बार, मतलब कि कोई उसमें मतलब अपडेट नहीं होता है। पिछला बार भी खरीदिएगा वो बुक का, तो वही चीज़ वहाँ मिलेगा उसमें, अगला बार भी जब भी लीजिएगा वही चीज़ मिलता है। तो भाई थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए बुक को, नए पैटर्न के हिसाब से ढालिए अपने किताब को, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर आप ले लिए हैं 10 सेट अगर लगा दिए हैं अरिहंत का और आपका करतार का, तो हम आपको प्रेफर करेंगे परीक्षा ऐप को, जहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में 30 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाता है और 20 आपका नए पैटर्न पर आपको तैयार किया गया है, उसको आप खरीद कर, मतलब कि 20 आपका काफ़ी रहता है, 20 दिन टाइम है, 20 का एक एक दिन पर डे लगाइए आप लोग। 132 रुपये आप कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, जितना आप खर्चा अपने मतलब इधर उधर कर देते हैं पार्टी वगैरह दोस्त में, 132 अगर आप अपने कैरियर में 20 दिन अगर लगा देते हैं, आपका 20 साल के बराबर हो जाएगा। ये 132 रुपये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आपका मेरे चैनल के थ्रू आपका 88% का डिस्काउंट कर दिया गया है, ठीक है। और इसको आप एक दिन के लिए फ्री भी करने वाले हैं, परीक्षा को हम बोले हैं परीक्षा ऐप को, कि एक दिन के लिए एयरफोर्स का मॉक टेस्ट आपको रखा जाए, ताकि मेरे जितने भी कैंडिडेट हैं इस चैनल के, एक दिन वो आपके चैनल मतलब कि परीक्षा ऐप पर जाकर मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और अगला दिन उनका रिजल्ट भी वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे आपका पता चल जाएगा कि आप तैयारी सेट उट मारने के बाद आपका कितना पानी में है आप। तो जाइए, परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड है आपका आरा वाला 40, टोटल कैपिटल में डाल लीजिएगा, अप्लाई करेगा प्रोमो कोड को, और आपका 88% का सीधे डिस्काउंट मिलने वाला है। 20 दिन के लिए काफ़ी ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है अभी, सारे चैनल के तो बात नहीं करें, जहाँ पर 40% का ही मिलता है, मेरे पर 88% का ज़बरदस्त चल रहा है डिस्काउंट यहाँ पर। तो जाइए, इसका फ़ायदा उठा लीजिए। जो सीरीज आपका 250 का है वो 132 में ही मिल जाएगा, और ज़बरदस्त 20 प्रैक्टिस सेट है दोनों ग्रुप का, जाकर तैयारी करिए। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपना, यानी कि क्या चीज़ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए सभी का, और इसका भी PDF का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसका भी डाल देंगे, और आप लोग तैयारी करिए भाई। जिसका 11-12 ज़बरदस्त है, यानी कि मैथ वो ज़बरदस्त NCERT से पढ़ लिया है, देन वो एयरफोर्स को निकाल देगा, ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ रीजनिंग का झंझट है, ना ही आपका GK पूछेगा। तो इसीलिए एक्स का ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करते हैं, क्यों, क्योंकि इनसे पूछा जाता है, मतलब कि 11-12 का आपका फिजिक्स और मैथ, और एक इंग्लिश रहता है जो बेसिक लेवल का आपका रहता है, ये लोग बाजी मार देते हैं, ठीक है। एक तरीके से बोले तो वाई ग्रुप काफ़ी टफ होता है, एक्स काफ़ी इजी होता है, ठीक है, क्योंकि 11-12 भाई जो जिसका क्लियर है वो तो आराम से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मार देगा, ठीक। और देखिए, SSC का अगर आप तैयारी करते हैं, वाई ग्रुप आपके लिए भी ईजी हो सकता है, वहाँ पर रीजनिंग ही थोड़ा सा झंझट करता है, और आपका GK जो है कहाँ से आ जाएगा, कोई लिमिट नहीं है आपका, ठीक। तो ये इसका देखिए, हम देखिए, मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि आज कंटिन्यू 2-3 वीडियो डाल दिए हैं, तो थोड़ा सा
तो हम अभी जाएंगे मेरा काम है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आएगा क्या होगा, नहीं तो इसका पीडीएफ हम डाल देंगे नीचे हल्का फुल्का। ऊपर ऊपर हम कुछ बता देते हैं मैथ का है, कितना क्वेश्चन आपका ऑनलाइन पेपर में पूछा जाएगा देख लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जिस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के, दो से तीन जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आप जाइए और तुरंत उसका तैयारी कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए उसी का, लगातार करिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मारिए उसी चीज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रिगो से क्वेश्चन तीन आपको गारंटी के साथ मिलने वाला है, ठीक है। ऊपर ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट हम बताएंगे और आपको ज़्यादा बहुत टॉपिक है तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ट्रिगो से आपको तीन क्वेश्चन मिलेगा, मैट्रिक से तीन है, ठीक है, 90% चांस है आपका, गारंटी है ट्रिगो में तीन मिलेगा आपका। डिफरेंशिएशन में दो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक से दो क्वेश्चन है आपका, एपी जेपी एचपी एक से दो क्वेश्चन है, तो ये है आपका लिमिट में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेट रिलेशन में एक क्वेश्चन, जहाँ एक क्वेश्चन देखने को मिले आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए पूरा मतलब कि माथा आपको नहीं लगाना है, पूरा बुक नहीं पढ़ना है, लिमिट में पढ़ाई करना है, ठीक है, स्मार्ट काम करना है। अब आपका टाइम बहुत ही कम है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहा है बस उसी का प्रैक्टिस मारिए, ठीक। अब पार्ट टू में भाई के रखा है कि इंटीग्रेशन के लिए दो से तीन क्वेश्चन 80% आपका चांस है, प्रोबेबिलिटी से एक से दो क्वेश्चन है आपका, सर्कल से एक से दो क्वेश्चन है आपका, यानी कि देख सकते हैं आपका वेक्टर से दो से तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इस समझ लीजिएगा कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, उसी के हिसाब से आप तैयारी करिएगा। हम आपको प्रेफर करेंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दो से तीन जहाँ मिल रहा है उस सब्जेक्ट का मतलब उस टॉपिक का आप लोग ज़बरदस्त तैयारी कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक, तो एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं भाई क्या बोले हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से हर साल लगभग तीन क्वेश्चन आते हैं, शिफ्ट पे डिपेंड करता है भाई, अगर किसी शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए ज़्यादा तो किसी में नहीं भी आ सकते हैं, और किसी में नहीं आए तो किसी में बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं, शिफ्ट पे डिपेंड। मैथ के लिए भाई मैंने पार्ट वन में रखा है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से हर साल लगभग तीन क्वेश्चन आते हैं, शिफ्ट पे डिपेंड करता है भाई, अगर किसी शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए ज़्यादा तो किसी में नहीं भी आ सकते हैं, और किसी में नहीं आए तो किसी में बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं, शिफ्ट पे डिपेंड। एंटी के साथ तीन क्वेश्चन ट्रिगो से देखने को मिलेगा। अब चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और मैथ में पार्ट वन में जो टॉपिक है सीरियल वाइज उसी सीक्वेंस में तैयार कर लो भाई साहब, आपको जितना पार्ट वन में ये टॉपिक ऊपर आपका पार्ट वन का था और इंटीग्रेशन से आपका पार्ट टू शुरू हुआ है, ध्यान में रखिएगा उस चीज़ को, स्क्रीनशॉट या तो पीडीएफ नीचे डाउनलोड करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और मैथ में जो पार्ट वन में जो टॉपिक है सीरियल वाइज उसी सीक्वेंस में तैयारी कर लो भाई, अगर इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है ठीक तभी रिवाइज करना, ऐसे नहीं, अगर आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं तभी रिवाइज करना, लेकिन ऐसे नहीं, अगर आप नहीं पढ़े हैं देन छोड़ सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत ही टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पढ़ा हुए तभी रिवाइज करना, ऐसे नहीं, डिफरेंशिएशन अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, डिफरेंशिएशन आप अच्छे से तैयार कर लो, अभी जो पढ़ा हुआ है उसी को फॉलो करो। अब यहाँ से हम कुछ बात बोलेंगे, जितना आप पढ़ लिए उसका प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा, देखिए प्रैक्टिस ही इंसान को बहुत ही बेस्ट बनाता है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेगा देन आप कुछ में काम ही नहीं करेगा। मान लीजिए हम इतना अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, इसके ऊपर काफ़ी मेहनत करते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं, ठीक है, और इस पर काफ़ी टाइम देते तब इतना मेरा क्वालिटी में आपसे बात कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी जो पढ़ा हुआ है उसी को फॉलो करो, अगर पार्ट वन में जो लिखा है ठीक, अगर पार्ट वन में जो लिखा है उससे भी कर लोगे भाई तो 11 से मतलब 11 तो कम से कम पार्ट वन से, और 2 से 3 नंबर पार्ट टू से, यानी कि पार्ट वन में अगर आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेते हो, अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो पार्ट वन का जो बताए हैं ऊपर आपको पीडीएफ में, तो आपका 11 नंबर तो भाई कम से कम आ ही जाएगा, पार्ट वन से केवल बात कर रहे हैं, ठीक है, और 2 से 3 नंबर आपका पार्ट टू से आ जाएगा, तो टोटल आपका 15 नंबर मैथ में लगभग हो ही जाएगा काम भर, और यही मैथ में 14 नंबर हो जाएगा आपका, यानी कि 14-15 आपका हो जाएगा। तो अभी से यानी कि बोला गया कि अभी से अगर करोगे तो पक्का, और रही बात फिजिक्स की तो वो भी भेज दूंगा, पहले इसका अपलोड कर दो भाई, ठीक, फिजिक्स में 12 या 13 भी आ जाता है तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, इंग्लिश में 14.5, मैथ में आपका 14 नंबर और इंग्लिश में 14.5 आपका, और फिजिक्स में हो जाता है आपका 12.75, यानी कि 12.5 से ऊपर का अगर आपका फिजिक्स में 10+2 भी आप करते हैं देन आप
41.25 कर लेगा, कोई भी रोकेगा नहीं, मेरिट आपका बन जाएगा आराम से। तो कल फॉलो करते हैं फिजिक्स को एक्स के लिए, और वाई के लिए आपका रहेगा रीजनिंग सेक्शन और आपका मैथ सेक्शन। अभी के लिए यहाँ से क्या करेंगे कि वीडियो को रोकेंगे और लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा दबाकर, और कोई भी प्रॉब्लम आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको कोई कल आपसे, ठीक।